हथियार के सिलसिले में जो आरोपी पकड़े हैं उनके बारे में? कल गौराईपाड़ा नालासोपारा ईस्ट में वेपन्स बेचने के लिए आने वाले हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे एलसीबी के पीएसआई विचारे साहब को मिली थी। उसके मुताबिक हम पूरे ऑफिसर्स और स्टाफ गौराईपाड़ा में जाल बिछाया था। वहाँ पे संदिग्ध चार लोग मिले और दो पंच को बुला के हमने उनको झड़ती ले दी ताबे में लेके। तो उनके पास से दो देसी बनावट के कट्टे और आठ जो कारतूस मिले हैं और एक टू व्हीलर गाड़ी मिली है। ये सभी मुद्देमाल ताबे में लेके इनके ऊपर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके अरेस्ट किया है। कोर्ट ने इनको पुलिस कस्टडी रिमांड दे दिया है। ये लोग स्थानीय के या कहीं बाहरी है और उनका बैकग्राउंड क्या है? इनके बारे में अभी तक बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं पड़ा, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये अदर स्टेट में बिलोंग्स करते हैं। सर ये कौन से वारदात को अंजाम देने आए थे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर 2019 के इलेक्शन में इस तरह के और कितनी वारदातें हो सकती है, इतने ऐसे आरोपी कितने मिल सकते हैं? नहीं ऐसा तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ के ऐसे काम करने वाले सभी लोगों को पकड़ा जाए। माहौल को अशांत करने का प्रयास ये चल रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं जा सकता, पर्सनल तौर पे भी लाए होंगे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर पहले के किसी मामले में किसी और मामले से इनका कोई जुड़ा हुआ तार कुछ ऐसा? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता नहीं चला, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर और कोई वारदात है या और कोई वारदात उन्होंने की है उसके बारे में छानबीन चल रहा है।